आज भी मौसम जो है बारिश का है और धूप भी निकल रही है और बारिश भी हो रही है। और चलिए आज सुबह से जो है एक्स्ट्रा काम जो है निकाल लिए हैं मैंने, सबकी बेडशीट वगैरह बदल रही हूँ। तो चलिए फटाफट जल्दी जल्दी सारे काम निपटा लेते हैं। ऑफिस से आते समय बेटी ले आई थी ये बड़ा गमला, तो इस बेल को इसी में लगाना है। तो चलिए इसकी रिपोर्टिंग कर देते हैं। तो गमला ये नर्सरी से लेके आई है और मिट्टी भी खरीद के लाई है, बट इस पे जो है एक्स्ट्रा खाद वगैरह नहीं डाली है उसने। अब मैं नीचे जाऊंगी तो फिर जो है थोड़ी बहुत जो है गाय के गोबर वाली खाद भी लेके आएंगे, तो वो इसमें डाल देंगे। अभी तो मैंने इसको ऐसे ही लगा दिया है, थोड़ी खाद ज़रूरी होती है पौधों के लिए। और बारिश का मौसम है तो देखिए मैट भी जो है काफ़ी गंदी हो रही है, तो चलिए इसको भी आज साफ़ कर देते हैं। और मिट्टी भी निकल रही है गमलों से, तो इसको जो है धो धा के फिनिश कर देते हैं। तो देखिए मैं इसको जो है खींच के ले आई हूँ किचन के पास, अब इसको यहीं धो देते हैं। बालकनी में धोने में दिक्कत हो रही है, बार बार पानी ले जाना पड़ता और ढेर सारा पानी भी पड़ेगा तो नीचे जो फ्लैट्स वाले हैं उनके कपड़े वगैरह भी पड़े हैं, तो फ्लैट पे यही प्रॉब्लम रहती है। तो चलिए इसको मैंने जो है किचन के पास ही बिछा दिया है और अब इसमें अच्छे से सर्फ डाल दिया है। और देखिए अब इसको देखिए कितनी गंदगी निकली है, और हस्बैंड जी ने भी जो है पानी जो है डालने में काफ़ी मदद कर दी, काफ़ी मतलब मेहनत लगी धोने में। अब चलिए जो है कपड़े भी धो लेते हैं फटाफट। और मैंने अपना सारा काम निपटा लिया और फिर मैं नहाने चली गई, तभी जो है मेरी हाउस हेल्पर भी आ गई हैं और अभी अपना काम जो है निपटा लेंगी फटाफट। तो चलिए जब तक ये पूजा घर की सफाई वगैरह करती हैं मैं जो है जल वगैरह चढ़ा लेती हूँ। और जल चढ़ाते समय ही आज जो है एक बच्चे के ऊपर जो है जल काफ़ी गिर गया, तो वो ऊपर देख रहा था, तो वही मैं जो है अपनी हाउस हेल्पर को बता रही हूँ। तो वो ये बोल रही थी कि यहाँ पे जो है एक बर्तन रख लो, उसमें आप जल चढ़ाया करो और उसके बाद गमले में डाल दिया करो। तो देखिए वो कैसे बता रही हैं कि ऐसे खड़े होके ऐसे जल चढ़ाओ और नीचे एक कुंडा मतलब बर्तन रख लो और उसी में जो है जल गिरेगा और फिर वो उठा करके गमले में डाल दो। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, आपका आइडिया अच्छा लगा। तो चलिए वही हंस रहे थे हम दोनों लोग, फिर मैं चली गई पूजा करने। और पूजा करने के बाद पूजा घर की जो है खिड़की बंद कर देते हैं, नहीं तो कबूतर जो है पूरा अंदर तक आ जाते हैं। राधे राधे दोस्तों, पूजा पाठ हो गई है और मेरा काफी काम भी हो गया है, तो चलिए अब नाश्ता कर लेते हैं। तो नाश्ता करने के बाद चलिए अब दोपहर का खाना तैयार कर लेते हैं। बारिश के मौसम में यही भाग दौड़ होती है, कब बारिश आ जाती है पता ही नहीं चलता है, और सूखे कपड़े फिर से गीले हो गए। देखिए बारिश आ गई है और मैं किचन में काम कर रही थी तो उधर से देखा, मैंने कहा लग रहा बारिश आ रही है, तो भीगी कपड़े उठाने के लिए। चलिए भिंडी भरवा तैयार कर ली है, अब छौंक देते हैं बढ़िया।
तो खाना भी बन रहा है अपना, और चलिए अब जो सुबह कपड़े धुले थे उनको भी डाल देते हैं। मौसम थोड़ा थोड़ा सा लग रहा है कि खुल रहा है, बट ऐसा ही रहेगा क्योंकि बारिश का मौसम है। तो आम देखिए, कच्चा आम जो है कितना बड़ा बड़ा है। तो यहाँ दूसरी वैरायटी मिलती है हमारे यहाँ, तो देसी आम भी आती है मीडियम साइज़ की, जो बहुत ही खट्टी होती है, बट ये ज़्यादा खट्टा नहीं है, खट्टा मीठा सा है। तो चलिए बना लेते हैं, थोड़ी सी ही बना लेते हैं जितनी जो है खप जाए। तो मैंने यहाँ पर एक आम ले लिया है और उसको काट लिया है, और देखिए भिंडी भी बन गई है अपनी। तो आम की लौंजी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा सौंफ, मेथी दाना और कलौंजी। तो इन सबको डाल के अच्छे से तेल में, मैंने यहाँ पे एक चम्मच तेल लिया है उसी में डाल के अच्छे से भून लिया है। आप चाहें तो घी भी यूज़ कर सकते हैं, और थोड़ी सी हल्दी, मिर्ची और नमक डाल दिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, तो सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे, और देखिए कलर भी कितना अच्छा लग रहा है देखने में। और अब इसमें पानी डाल के ढक देंगे जिससे कि ये अच्छे से पक जाएगी। और भिंडी भी बन गई है, दाल भी लगा देते हैं तड़का, और चावल भी चढ़ा देते हैं। और अब इसको मीठा करने के लिए इसमें मैंने गुड़ मिला दिया है। आप चाहें तो गुड़ या चीनी जो भी डालना चाहें वो डाल सकते हैं। और अब इसको गुड़ गलने तक थोड़ा सा पका लेंगे, और देखिए कितनी बढ़िया जो है आम की मीठी चटनी या लौंजी जो भी बोलते हैं, कितनी बढ़िया बन के तैयार हो गई है, और देखने में भी अच्छी लग रही है और खाने में भी अच्छी लगती है बहुत ही। तो देखिए मैंने भगोना ऐसे ही उतार दिया, तो थोड़ा सा हाथों में गर्म सा लग गया है, और चलिए अब रोटी बना लेते हैं। तो सीज़न के हिसाब से सब कुछ मतलब खाना चाहिए। अभी इस समय आम का सीज़न चल रहा है, तो आम का अचार, आम की लौंजी और आम का मुरब्बा वगैरह भी सब अच्छा लगता है खाने में। और खाना देखिए बन गया है, दाल चावल भिंडी भरमा भिंडी सब्जी रोटी और आम की जो है मीठी चटनी। तो चलिए अब थाली लगा देते हैं सबके लिए। तो चलिए कपड़े काफ़ी सूख गए हैं और बारिश फिर से आने वाली है, तो वही मैं कपड़े उठाने चली गई फिर से बालकनी में। और देखिए धूप भी निकली है और बारिश भी हो रही है, आज ऐसा ही मौसम हो रहा है सुबह से। चलिए पीते हैं गर्मा गर्म चाय, और बाहर हो रही है खूब जोरदार बारिश।
तो थोड़ी सी बारिश रुकी आज, मतलब सुबह से ही बारिश, कभी तेज कभी कम, कभी धूप कभी छांव, ऐसा ही हो रहा है। तो मैंने सोचा लाओ मैट भी जो है बिछाई देते हैं, और धोने के बाद देखिए कितनी बढ़िया सी साफ हो गई है, बिल्कुल हरी हरी एकदम नेचुरल घास जैसी लग रही है। और फिर मैंने सारे गमले शिफ्ट किए और फटाफट जो है घास बिछा दी है, रेडीमेड घास। और मैट बिछाई जैसे वैसे ही फिर बारिश तेज़ हो गई, तो देखिए जो है नीचे बच्चे कैसे नहा रहे हैं बारिश के पानी में और खूब जो है शैतानी कर रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, बड़ा ही अच्छा लग रहा था देख के। और फिर शाम को मैंने की पूजा। थैंक यू सो मच और तहे दिल से शुक्रिया है आप लोगों का, बहुत साथ दिया आप लोगों ने मेरा, बहुत सपोर्ट किया उसके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप लोग अपना सपोर्ट इसी तरह प्लीज बनाए रखिएगा। राधे राधे, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय। तो पूजा करने के बाद अपने रूम में बैठी एडिटिंग वगैरह का ही काम देख रही थी, तभी ध्यान आया कि एक दिन पहले तो मैंने आइसक्रीम जमाई है, चलिए उसको भी निकाल के देख लेते हैं। तो देखिए पूरी तरह से ये जम गई है, दो आम में मैंने बनाया था तो दोनों पूरी तरह से जम गए हैं। और अब इनका जो है छिलका निकाल लेते हैं, कटर से जो है छील देंगे, बड़े ही आराम से निकल रहा है छिलका। और बहुत ही स्वादिष्ट बनी थी दोस्तों, और अब इसको जो है चक्कू से इसके पीस कर लेंगे और फिर जो है सबको जो है दे देंगे। तो बहुत ही अच्छी और स्वादिष्ट और जल्दी बन गई। और मिलते हैं अब आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, राधे राधे, अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए, बाय बाय, राधे राधे।